केंद्र सरकार जल्द ही वक्फ एक्ट में संशोधन करने के लिए संसद में बिल पेश कर सकती। जैसे सरकार के नए बिल की खबरों का बाहर आना शुरू हुआ, वैसे विपक्ष के नेताओं और मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश ने मीडिया से बात करते हुए भाजपा के पास हिंदू या मुस्लिम भाइयों के अधिकारों को छीनने के अलावा कोई और काम नहीं बचा है। जो अधिकार उनको मिले हैं, उनको स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, अपने धर्म को मानने का अधिकार मिला है, अपनी कार्य प्रणाली को बनाए रखने का अधिकार मिला है, इन सब अधिकारों को सरकार खत्म करना चाहती है। साथ ही इस दौरान हाल ही में यूपी विधानसभा में लाए गए नजूल संपत्ति विधेयक पर भी अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने साफ किया कि अगर केंद्र सरकार संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश करती है तो समाजवादी पार्टी इसका विरोध करेगी। कई मीडिया रिपोर्ट ने दावा किया है कि 5 अगस्त को सरकार संसद में वक्फ बोर्ड में बदलाव करने के लिए बिल ला सकती है। सरकार इस संशोधन में करीब 40 बदलाव कर वक्फ बोर्ड की ताकत को सीमित कर सकती है। मुसलमान भाइयों को कैसे उनके अधिकारों को छीना जाए, उनकी अधिकार जो मिले हैं, जिन्हें आजादी के अधिकार हैं या उनके स्वतंत्र जो अधिकार हैं, उनके अपने धर्म को लेकर के अपनी कामकाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, और केवल वक्फ बोर्ड नहीं, हमारे मुख्यमंत्री देखिए कितने समझदार हैं सरकार के, उन्हें उर्दू में ये पता लगा कि नुजूल उर्दू शब्द है। उन्हें समझाते रहे अधिकारी कि नजूल का मतलब कुछ और है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नजूल मतलब मुसलमानों की जमीन है। ये सोचो, जो व्यक्ति केवल उर्दू के शब्द नजूल को लेकर के पूरा का पूरा प्रयागराज खाली करा रहे थे, पूरा गोरखपुर, और गोरखपुर में अपना स्वार्थ है उनका कुछ, या उनके सहयोगी साथियों का स्वार्थ है, उसकी वजह से बताइए उर्दू का शब्द नजूल, तो मुख्यमंत्री जी क्या कानून ले आए। तो ये बात आपको भी समझ में आ रही है, लेकिन हम लोग इसके खिलाफ रहेंगे। इन्होंने पहले एंग्लो इंडियन का छीना था, आपको पता होगा एंग्लो इंडियंस की लोकसभा में और विधानसभा में एक सीट हुआ करती थी, उनका रिप्रेजेंटेशन था। इन्होंने जनगणना करा ली फर्जी, इन्होंने फर्जी जनगणना कराई, और फर्जी जनगणना करा करके एंग्लो इंडियंस की एक सीट ले ली, छीन ली। अभी सुनने में आ रहा है एक मंत्री जी चिल्ला रही हैं कि आरक्षण खत्म हो गया। अच्छा, आप खुद सोचिए, सरकार में भी रहेंगे और आरक्षण की भी बात करेंगे, तो जिन्हें आरक्षण की चिंता है, जो पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक आदिवासी भाई बहन हैं, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे लखनऊ में, तुरंत बीजेपी को छोड़ दें, तुरंत छोड़ दें। और ये भाई जाति जनगणना एक स्टूल किट नेता है, वो बहुत किट किट कर रहे हैं, किट किट, मुझे लगता है उनका ऑफर मुझे खत्म करना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है कि जो स्टूल किट मंत्री हैं, ये उधार पे बैठे हुए हैं, उन्हें हुक्म मिलता है तो कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी इधर, कम से कम इन्हें कास्ट सेंसस की बात करनी चाहिए, जाति जनगणना की बात करनी चाहिए, और जो आरक्षण खत्म हो रहा है उसके बारे में बात करना चाहिए। हमारा जो साथी कह रहा है सहारनपुर में जिस तरह की घटना हुई है, पीलीभीत में एक महिला खेत पे गई, उसके साथ गलत घटना हुई, आज सुनने में आ रहा है अयोध्या में भी घटना हुई, और कन्नौज की मैं बता दूं, एक दलित समाज की बेटी, उसके साथ जो घटना हुई, और पुलिस और बीजेपी के लोगों ने मिलकर के एक झूठी कहानी बनाई, उसे पेड़ पे लटका करके बताया कि पेड़ पर वो अपनी आत्महत्या की, और उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। ये पोस्टमार्टम किसकी वजह से नहीं हुआ है, वहां के बीजेपी के नेता हैं जिनकी वजह से पोस्टमार्टम उस बेटी का नहीं हुआ है। हम तो आपके तरफ से मांग करेंगे कि जिस बेटी को पेड़ पर लटकाया गया था कन्नौज की, जिसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, उसका दोबारा पोस्टमार्टम कर करके, और जो उसके बीजेपी के कार्यकर्ता नेता शामिल थे उन पर भी इसी तरह बुलडोजर चलाया जाए। अखिलेश यादव ने हाल ही में यूपी विधानसभा में पास हुए नजूल एक्ट पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि सीएम योगी को पता चला कि नजूल उर्दू का शब्द है, अधिकारी उन्हें समझाते रहे कि नजूल का मतलब कुछ और होता है, लेकिन उन्होंने सोचा कि नजूल का मतलब मुसलमानों की जमीन है। नजूल संपत्ति ऐसी संपत्ति होती है जिनका स्वामित्व सरकार के पास होता है। दरअसल आजादी के बाद अंग्रेजों ने भारत में कई ऐसी राजघरानों की जमीन खाली की जिनके स्वामित्व साबित करने के लिए
राजाओं के पास जरूरी दस्तावेज नहीं थे। इस संपत्ति का अधिकार सरकार के पास होता। बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल एस ने भी विधेयक को जल्दबाजी में लाया गया विधेयक बताया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।